चलो आज वापस हम देखते हैं चपटी मिट्टी होती क्या है। ये देखिए सब सेलर के पास ये स्टॉक होता है और सब इसको बटर ग्रे बोलते हैं, लेकिन मुझे चपटी मिट्टी किसी ने बोला था लाने को, तो मुझे लगा कि ये बटर ग्रे होगा क्योंकि वो स्टॉक हमारे पास हमेशा होता है और काफ़ी होता है। तो मैंने भी बटर ग्रे को टेस्ट किया, खाया तो, लेकिन उसका और इसके स्वाद में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये मेरे को समझा, मतलब जहाँ पे बनता है और उसी को समझ पता नहीं, ऐसी बात ये हो गई। तो थैंक्स टू पैम मैम कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया है। ये हमारे यहाँ पे ही मिलता है, मुझे पता नहीं था। तो मेरे कस्टमर ने हमसे सैंपल में मंगवाई थी चपटी मिट्टी, तो हमने अवेलेबल कराई थी सैंपल के तौर पर। लेकिन देखिए सबको कॉस्ट अच्छी चाहिए, सही चाहिए, क्योंकि सब समझते मिट्टी है और इतना महंगा क्या देना। लेकिन हर एक चीज़ का भाव होता है, हर एक चीज़ का मोल होता है, उसी तरह ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने भी सोचा ये लाना चाहिए आप लोगों के लिए। आप वीडियो में देख सकते हो ये बिल्कुल भी अलग लग रही है, ये बटर ग्रे के जैसे। इसमें येलो रेड चिप्स बिग चंक्स में आती है ये स्पेशली, क्योंकि बटर ग्रे का कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी बिग चंक्स में आती है, कभी क्रम्बल्स में आती है। कस्टमर बोलते हैं हमें कि मैम क्रम्बल्स देते हैं आप, ऐसा नहीं है। तो जैसा बल्क रहता है वैसा ही हमें देना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी सॉफ्ट होती है तो इसलिए वो टूट जाती है। और इस तरह का ये जो चपटी मिट्टी है जो नासिक में ही मतलब मिलता है, और कहीं मिलता होगा तो भाई हमें पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे खूब मिलता है ये बहुत भर भर के। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टॉक तो दिखाया था, ये सारा उसी का स्टॉक है। तो आपको बता दूँ ये लेयर लेयर में है, ये देखिए एकदम लेयर लेयर की है और बिल्कुल भी गमी नहीं है। क्योंकि बाद बहुत बार देखा है कि बटर ग्रे चिपकती है, अभी कोई बहुत सारे लोग इसी को येलो क्ले करके बेच रहे हैं कोई कुछ, तो भाई हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में। तो ये मतलब बटर ग्रे ही लग रही है मेरे को, और इसी को यहाँ पर एक उसका नाम है चपटी मिट्टी। तो बटर ग्रे बहुत गमी होती है, स्टिकी होती है, चिपकती है, और ये चिपकती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। और इसकी विशेषता ये है कि ये लेयर में है, जैसे कि बटर ग्रे का कोई लेयर नहीं होता, होता है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है, जो हमारे पास आते आते पूरा टूट जाता है, तो हम कस्टमर को वो लेयर वाला दे ही नहीं सकते। तो आप देख सकते हो उसमें कितने मोटे मोटे लेयर है ये क्ले में, और इसमें ना एक ख़ास स्वाद भी है। चलो वीडियो में आप देख सकते हो चंक्स, क्वालिटी, टेक्चर, क्योंकि हर मतलब बहुत सारे अभी यूट्यूब पे सेलर है तो सबके पास ये प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन तो भी कस्टमर बोलते हैं कि इनका अच्छा है इनसे ले लो। देखो सबका मिट्टी सेम ही है, हाँ, लेकिन वो हम नहीं बोल सकते टेस्ट के बारे में, टेक्चर के बारे में। तो देखो सबका क्ले सेम ही लगता है। तो इस तरह का ये देखिए कितने काफ़ी बड़े 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 चंक्स और अर्दीनेस तो बहुत ही ज़बरदस्त, और टेस्ट तो बाप रे आप, मतलब जो खाएगा उसको ही समझेगा टेस्ट क्या है, क्योंकि टेस्ट के बारे में मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बोलने में। एकदम सुपर है, जैसे भुना हुआ सेंगदाना, और एकदम ये जो लेयर से मुंह के अंदर जाके इतनी अच्छे से पिघलती है, इतना अच्छे से मेल्ट होती है, और क्रंची तो इतना है, ये बहुत क्रंची है, एकदम सुपर स्टॉक है। तो कस्टमर की डिमांड पे ही मैंने इसको बुलवाया है, ये चपटी मिट्टी करके इसका नाम है करके, इसको फर्शी की मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये ख़ास एक जगह मिलता है महाराष्ट्र में ये वो जगह भी, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो ये वहाँ पर फर्शी मिट्टी करके जानी जाती है, और इसकी विशेषता ये है कि ये छोटे साइज़ में नहीं है, क्रम्बल साइज़ में है लेकिन बहुत कम है, छोटी भी साइज़ में हो तो भी उसमें लेयर है, ये देख सकते हो आप। इसकी विशेषता ये क्ले की कि भले ही इसमें कुछ ऐसा छोटी साइज़ है, लेकिन बहुत कस्टमर को बटर ग्रे पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली बटर ग्रे तो बहुत बहुत बहुत, मतलब मेरे पास भी शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। दोनों साइड से पूरा रोस्ट और अंदर से पूरा लेयर लेयर लेयर। तो कोशिश किया है हमने इसको लाने का स्टॉक में, फटाफट बुक कर लीजिए, क्योंकि जब हम स्टॉक वीडियो बनाते कोई भी सेलर, तो उनका कोशिश ये रहता है कि उनके पास जो प्रोडक्ट है मिट्टी का वो ले ले, क्योंकि ये किसी के घर पे बनती नहीं है। तो
तो जैसा स्टॉक आता है मिलता है, हम बस मार्केट में ढूंढते रहते हैं और जैसे मिले उसको देने की कोशिश हमारी रहती है। हर एक बेचारा सेलर अपना अपना सेलिंग में बिज़ी रहता है और नया लाने की कोशिश करता है, कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता है। लेकिन कुछ बदमाश लोग जानबूझकर ऐसा कमेंट देते हैं और सेलर सेलर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई मत करे, क्योंकि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। और क्या करना है, जिसको जितना कमाना है वो तो उतना कमाएगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ नया पेश करें, नया कुछ क्लेम लेकर आए। ये देख सकते हैं, और ये हमारा साइड बिजनेस है, कोई हमारा घर इस पर चलता नहीं है। तो ये सब मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने के लिए पसंद किया जाता है और इसलिए हम इसको सेलिंग में ला रहे हैं। तो व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दो फ्रेंड, जब हम रिप्लाई करना है तो कर देंगे, क्योंकि हम भी कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो हर बार हम 24 घंटे फ़ोन पे नहीं, क्योंकि हर कोई जिसके दिल में तब आए तब मैसेज कर देता है, या फिर कुछ लोग तो हद कर देते, फ़ोन हम नहीं उठा पा रहे। तो अभी क्योंकि मिट्टी जा जाकर हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसलिए हम फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते और व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करते हैं। और हमारे बस की बात नहीं है कि 24 घंटे हम हर एक को रिप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन इतने पूछते और लेने वाले बहुत कम होते हैं। तो गलती ये ना करें। तो देखो, आपको भी ख़रीदनी हो तो ले लो, और हमको बहुत दिन लगता है पैकिंग को, क्योंकि हम बहुत केयरफुली पैकिंग करते, मतलब अच्छा प्रोडक्ट भी देना चाहिए और अच्छे पीस भी जाना चाहिए। और दूसरा कि वेट का इशू कुछ फालतू लोग बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वेट हमारा ओवरवेट होता है, कभी हम कम वेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार है कम वेट देना, मतलब हमें उतना भरना पड़ता है। तो ये सोचकर हम किसी को सबको बताकर हम सेल करते हैं कि हम किस तरह का उनको देंगे। छोड़ो ये गंदी बातें, लोगों को तो आदत रहती है पीठ पीछे नाम रखने की। हम तो हमारा बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं, तो वही प्रोडक्ट हम उनके लिए लेकर आते हैं। आप देख सकते हो कितना सुपर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये एकदम ज़बरदस्त है, पूरा लेयर 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 है इसमें, इसीलिए इसकी ग्रिटीनेस और समझ में नहीं आती, क्योंकि ये ग्रिटी है ही नहीं और इतना टेस्टी है। ये क्रंच तो बहुत ज़्यादा है इसमें, और मुंह में जाती ही ये क्रंची क्रंची हो जाती है, लेयर लेयर में क्रैकल का जैसे आवाज़ आता है, आपको क्रैकल्स कैडबरी पता होगी, तो उसी तरह की इसमें से क्रैकल्स की आवाज़ आती है। आप चंक्स देखो, इसमें हम कुछ सॉर्टिंग नहीं देंगे, रेड चिप्स येलो चिप्स ये वो सब कुछ सॉर्टिंग नहीं, ऐसा है फ्रेंड्स तो ऐसे ही देंगे। हम सबको बोल देते क्योंकि ऐसा सब करते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता, सबकी ऑर्डर है तो उसके हिसाब से हम पैकिंग करेंगे। इसमें सब है, तो जैसे कोई ऑर्डर करेगा चिपटी मिट्टी का, तो उसको हम जैसा है प्रोडक्ट आया हमको मिला वैसे ही हमको पैक करके देंगे। क्योंकि सॉर्टिंग में कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छा खाने का भी आपका मतलब नहीं मिल पाएगा आपको, अगर हम ऐसे छीन छीन कर देंगे तो। हर एक चीज़ का मतलब जैसे कि लाल है, येलो है, ये कोई येलो क्लेनी है, ये येलो कलर की ही इसमें आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। वापस से बोल रही हूँ कि ये बटर ग्रे ही है, लेकिन इसकी खास विशेषता कुछ अलग है जो इसको अलग बनाती है। इसका टेक्चर तो वैसे ही है, लेकिन ये खाने में बहुत अलग है, बटर ग्रे से बिल्कुल भी अलग है। बटर ग्रे के जैसा कुछ भी स्वाद इसमें नहीं मिलता। देखिए इसमें काफ़ी येलो येलो चंक्स दिख रहे हैं, ऐसी कुछ खास विशेषता नहीं है कि इसको बटर ग्रे बोल जाए, क्योंकि ये अपने आप में अलग लग रहा है मेरे को। और खाने के बाद काफ़ी टाइम तक इसका स्वाद मुंह में रहता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और इतना रोस्ट है तो भी बिल्कुल स्मोकी नहीं है, काफ़ी अर्दी है, अर्दीनेस के कारण इसका इतना ब्लैकनेस है, आप देख सकते हो। जिनको ख़रीदना है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ये क्ले उनको मिल जाएगी। फुल रोस्टेड और हाफ रोस्टेड से भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बहुत क्रंची यम्मी है ये। ओके बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।